के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बिहार के हालात पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा, वहां आई है बहुत बड़ी आपदा, पटना नगर निगम को जाग जाना चाहिए, इतनी भारी होगी बरसात, वहां के नगर निगम ने भी नहीं था सोचा। एनएक्सी भवन में आयोजित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मंडली कार्यशाला, 53 स्वयं सहायता समूहों को वितरित किया गया 1,32,39,000 की धनराशि। चौरीचौरा थाना क्षेत्र में मां बाप की हत्या से मचा हड़कंप, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, आरोपी महिला को रंगे हाथ किया गया है गिरफ्तार। झंगहा थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से मची सनसनी, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, पति पर जताई जा रही हत्या की आशंका। लाइसेंसी बंदूक से गोली दगने से 22 वर्षीय युवक की हुई मौत, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, जांच कर की जाए विधिक कार्रवाई। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई अंतर विभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, किसानों के आय दुगना करने के उपायों पर की गई चर्चा। 5 अक्टूबर से चंपा देवी पार्क में शुरू होगा श्रीराम कथा, राष्ट्र संत मुरारी बापू के मधुरवाड़ी से लोग करेंगे कथा का श्रवण, देश विदेश से लोगों के आने की है संभावना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कथा का शुभारंभ। गोरखपुर की सड़कों को लेकर रवि किशन ने कहा, जहां जहां पर 4 लेन का काम चल रहा है वहां पर है तकलीफ, आधा बन चुकी है, शेष सड़कों को बनाने का चल रहा है काम। दशहरा दिवाली छठ सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए एसएसपी ने किया रात्रि पैदल गश्त, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास, कहा उत्साह पूर्वक मनाएं त्योहार क्योंकि गोरखपुर पुलिस है आपके साथ। माँ काली के दरबार में पहुंचे सांसद रवि किशन ने टेका मत्था और लिया आशीर्वाद, कहा चुनाव के समय माँ काली के दरबार में लिया था आशीर्वाद, काली माई ने उन्हें 3 लाख से अधिक वोटों से दिलाई जीत। शारदीय नवरात्र के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में 5वें दिन हुई माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना, की गई आरती, वितरित हुआ प्रसाद। रेलवे स्टेशन के समक्ष सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को हटा रहे एसपी ट्रैफिक से रेल कर्मियों की हुई नोकझोंक, रेल कर्मियों ने दी चक्का जाम की चेतावनी, एसपी ट्रैफिक ने कहा, नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक, उद्यमियों की समस्याओं को प्रमुखता से निस्तारित करने के दिए निर्देश। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की मासिक समीक्षा बैठक, बाल संरक्षण के मुद्दों पर हुई चर्चा। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत डीपीआरओ ने लगाया झाड़ू, लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार की अपील। त्योहारों के मद्देनजर एसपी ट्रैफिक ने चलाया अभियान, सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों एवं रेलवे स्टेशन के सामने अवैध रूप से चल रहे बस स्टेशन पर की कार्रवाई। शहर में शारदीय नवरात्र में दुर्गा प्रतिमाएं पूजा पंडालों में स्थापित, तैयारियां अंतिम चरण में, तिरंगे की थीम पर भी बना पंडाल। शारदीय नवरात्र पर गोलघर काली माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां काली के दरबार में सबकी पूरी होती है मुरादें। लगातार हो रही बारिश से बढ़ी संक्रामक बीमारियां, जिला अस्पताल में मरीजों की देखने को मिल रही भारी संख्या। और छिटपुट बारिश ने पढ़ाई लोगों की मुश्किलें, एडीएम एफआर ने कहा, नहीं है कहीं जलभराव की स्थिति, नदियां भी है सामान्य।